हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में जगह जगह पर छोटे बड़े कई मंदिर हैं, इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवी देवता वास करते हैं। अल्मोड़ा से जागेश्वर की तरफ को जा रहे हैं। साथ में रास्ते में हमें जो भी टेंपल दिखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें एक मेन मंदिर है चितई गोलू देवता का। रास्ते में पहाड़ में आपको हर जगह छोटे बड़े मंदिर नजर आएंगे जिनकी अपनी मान्यता है और लोगों की उनके प्रति आस्था है। जागेश्वर यहाँ से लगभग 39 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रास्ते में एक मंदिर और आया है, वो वहीं पर थोड़ी देर दर्शन करते हैं। हमारे पहाड़ में इस गोलू देवता की बहुत ही अधिक मान्यता है। देखिए चितई गोलू देवता टेम्पल 24 किलोमीटर और है। 32 किलोमीटर। अब हम लोग चितई मंदिर से जागेश्वर टेम्पल की ओर को जा रहे हैं। 203 किलोमीटर। अब हम लोग जागेश्वर मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 3 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए अभी आपने न्यूज वगैरह में सुना ही होगा कि मोदी जी जागेश्वर धाम के दर्शन करके जा चुके हैं। कड़ाके का ठंडा हो रहा है। सामने ग्राउंड में आपको व्हाइट हॉर्स नजर आएंगे। चलिए अब हम मंदिर की तरफ को जाते हैं। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। सामने ये मेन मंदिर है। चलिए अब मैं अंदर जाके आपको
इस मंदिर में मांगी गई मन्नत उसी रूप में स्वीकृत हो जाया करती थी। दूर दूर से लोग यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया करते हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। महादेव की कृपा से भूल जाती है। पूजा करवाते हैं, कई छोटे बड़े टेम्पल हैं यहाँ। लिंग रूप में सबसे पहले शिव जी की पूजा इसी मंदिर से प्रारंभ हुई थी। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से महामृत्युंजय का जाप कराने आते हैं। अब देखिए अंधेरा हो चुका है। एक बार हम फिर से दर्शन कर लेते हैं सभी छोटे बड़े मंदिरों के, और उसके बाद हम कल मॉर्निंग में पूजा के लिए आएंगे। इस वृक्ष को भगवान शिव का अर्ध नारेश्वर के रूप में पूजा जाता है।
मंदिर में पहुंचकर एक अलग सी अनुभूति हुई। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी इस मंदिर के दर्शन और बाबा का आशीर्वाद लेके जा चुके हैं। दरवाजे में एक होल बना हुआ है, उसी से हमने कुबेर भगवान के दर्शन किए। चलिए अब नीचे को उतरते हैं। देखिए मंदिर को निहारता हुआ बंदर भक्ति में लीन। चलिए अब हम लोग चलते हैं। बाबा आप हमें दोबारा बुलाइएगा। बाबा अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखें। जय भोले बाबा, आपकी सदा ही जय हो। मंदिर